तो गाइस स्वागत है आप सबका एक और नई शानदार सी वीडियो में। एंड गाइस जो भी ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो या फिर रैंक पुश करना चाहते हो तो आज आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिसे यूज करके मैंने इस सीजन में रीजन पे टॉप 30 मारा था और पिछले 20 से 25 दिनों में मैंने बीआर रैंक पुश स्टॉप कर दिया है। फिर भी मैं इंडिया में टॉप 200 के अंदर हूं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं अच्छी खासी रैंक पुश कर लेता हूं। और गाइस इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपका नाम भी रीजन पे टॉप 100 के अंदर दिखे, क्योंकि ये रैंक सीजन 37 थोड़ी देर में खत्म होने वाला है और सीजन 38 स्टार्ट होने वाला है, जिस वजह से सबकी रैंक डाउन हो जाएगी। इसलिए बेस्ट मौका है, सारे रैंक पुशर स्टार्टिंग में ही हार्ड रैंक पुशिंग करके रीजन पे चले जाते हैं और आप लोग भी चाहो तो रीजन पे जा सकते हो। उसके लिए आपको बस ये वीडियो लाइक करनी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो भाई दिल से खुशी होगी। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई लोग, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज छुपी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आखिर रैंक पुश करने का फायदा क्या होगा। बहुत से बंदे सोचते हैं अगर रीजन पे चला भी गया तो क्या मिलेगा, तो भाई अगर आप लोग रीजन पे चले जाते हो तो इससे आपके लाइक्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और तो और अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम वगैरह है तो आप लोग अपने बायो में उसके बारे में लिख सकते हो, जिससे अगर कोई आपकी प्रोफाइल ओपन करेगा तो उसमें से कोई ना कोई बंदा आपके चैनल जरूर सर्च करेगा। इससे आपके चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प हो सकती है और ये कोई नई बात नहीं है। मैं बहुत से ऐसे एग्जांपल आपको दे सकता हूँ उन बंदों के जिनका यूट्यूब चैनल रैंक पुशिंग की वजह से चलता है, मतलब वो रैंक पुशिंग के लिए ही जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रैंक पुशिंग से आपके यूट्यूब चैनल को भी बूस्ट मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप लोग अपनी स्क्वाड के साथ रैंक पुश करते हो तो आपका कोऑर्डिनेशन टाइम के साथ स्ट्रांग होता जाएगा, जो कि कल को अगर ई-स्पोर्ट आता है तो डेफिनेटली वहां आप लोग मचा सकते हो। अब देखो भैया फायदे तो बहुत है लेकिन इसके नुकसान भी है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल बात कर लेते हैं आखिर वो कौन सी जड़ी बूटी है जिसका सेवन करके हम लोग रीजन पे टॉप मार सकते हैं। तो देखो भैया ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है और जिसके पास पैसा है वो पेड पुशिंग भी करवा लेते हैं, लेकिन हम लोग खुद से रैंक पुश करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए सबसे पहले अपनी नींद पूरी कर लेनी है, क्योंकि जैसे ही न्यू सीजन आएगा तो उस वक्त के लिए हमें खुद को चार्ज करके रखना होगा, तभी तो नॉन स्टॉप पुश करके रीजन जा पाओगे। और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं रहेगी तो आपको जल्दी नींद आने लगेगी, जिससे आपके रीजन जाने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन ग्रैंड मास्टर जाने के चांसेस फिर भी बने रहेंगे। एंड गाइस अगर आपको रीजन ही करना है, ओनली ग्रैंड मास्टर जाके आपको संतुष्टि नहीं मिलती, तो उसके लिए आपको नींद त्यागनी होगी। अगर आपको बहुत तेज से नींद आने लगती है तो आपको क्या करना है, जो ट्रिक मैं खुद अपने पे अप्लाई की थी वही आपको बताने वाला हूं। तो भाई आपको अपने साथ एनर्जी ड्रिंक रख लेनी है, लाइक स्टिंग, जो कि बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन इसे पीने के बाद नींद गायब हो जाती है। और मैंने तो भाई पिछला सीजन स्टार्ट होते ही पहले ही दिन 10 स्टिंग निपटा दी थी, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस पे लिखा भी होता है आपको एक दिन में 2 से ज्यादा बोतल कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, बट मैंने फिर भी 8 से 10 बोतल निपटा दी। और भाई उसके बाद जो 4 दिन तक सरदर्द हुआ ना, भाई सच बता रहा हूँ उसके बाद से मैंने कभी स्टिंग पे हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन 2 बोतल अगर आप लोग पियोगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, और मैं भी इस बार 2 से ज्यादा नहीं पीऊंगा। सो गाइस ये तो था स्टेप नंबर 1 कि आपको रीजन जाने के लिए शुरू के 1 से 2 दिन के लिए नींद त्यागनी होगी। अगर ये शर्त मंजूर है तभी रीजन की सोचना, वरना ग्रैंड मास्टर लगा दो उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसमें आपको अपने साथ खेलने के लिए ऐसे प्लेयर ढूंढने हैं जो कि थोड़ा सीरियस होकर खेले और यहाँ वहाँ कूद के मर ना जाए, बल्कि साथ में रहकर टीम कोऑर्डिनेशन बना के गेम प्ले करें। एंड गाइस अगर करेक्टर स्किल की बात करूं तो आपको अपने हिसाब से देख लेनी है और सारे प्लेयर को आपस में करेक्टर स्किल बांट लेनी है। जैसे स्नाइपर प्लेयर का अलग स्किल होता है, रसर का अलग होता है, सपोर्टर का अलग होता है, इसलिए आप लोग अपने रोल्स के हिसाब से करेक्टर स्किल को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि करेक्टर स्किल से गेम प्ले पे काफी इफेक्ट पड़ता है। और गाइस आपको लैंडिंग कैसे करनी है वो भी बता देता हूँ। तो भाई आपको कूदना ज्यादा भीड़ के बीच में नहीं है, क्योंकि ऐसे में 2 चांसेस होते हैं, या तो आपको बहुत सारे किल्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर गलती से आप किसी और का किल बन गए तो भाई बहुत तगड़ा वाला माइनस होगा। इसलिए किल के लालच में कभी बीच में मत कूद जाना, हमेशा थोड़ा साइड में कूदना जहाँ कोई दूसरी स्क्वाड ना आए और आप लोग अच्छे से लूट कर सको। एंड देन आपको एक बाइक या फिर कार ढूंढ लेनी है और अपने एक प्लेयर के पास सारे टोकन देके उसे जोन सर्वाइव करने बोलना है और बाकी 3 बंदे को चले जाना है किल करने। अगर कोई मर भी जाता है तो वो जोन सर्वाइवर आपको जोन के बाहर से रिवाइव कर सकता है, ऐसे में पूरी स्क्वाड का मरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड ये ट्रिक मैक्सिमम रीजन प्लेयर की स्क्वाड यूज करती है। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल ही गया, जो ये है कि इस सीजन मैं भी रैंक पुश करने वाला हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैं हर सीजन करता हूँ, लेकिन इस सीजन नया ये होगा कि मैं लाइव रैंक पुश करूंगा। और हो सकता है जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त मैं लाइव ही कर रहा हूँ, तो एक बार चेक जरूर कर लेना, क्योंकि मैं अभी आपकी तरह मोबाइल पे खेल के रैंक पुश करने वाला हूँ। बाकी भाई लोग जिनके एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, वो गेम से दूर ही रहना, कुछ दिन पढ़ाई कर लो भाई, उसके बाद गेम ही तो खेलना है। फिर भी ज्यादा मन करे तो 1 से 2 मैच खेल लेना, उसके बाद जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे तभी भी आपके पास चांस रहेगा ग्रैंड मास्टर जाने का, और फिर आप लोग बिना किसी टेंशन के पुश भी कर पाओगे। अगर नहीं भी कर पाए तो क्या दिक्कत हो गई भाई, अगले सीजन कर लेना, क्योंकि रैंक सीजन तो हर 2 महीने में आ जाता है लेकिन एग्जाम बार बार नहीं आते, तो इसे एक बार अच्छे से क्लियर कर लो। और गाइस जो भी बंदे रैंक पुश करने वाले हैं वो भी एक बात का ध्यान देना, रैंक पुश के चक्कर में ज्यादा स्टिंग या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक मत पी लेना, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए तो आपको एनर्जी देगी लेकिन उसके बाद आपके साथ जो होगा वो तो मैं ही समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था भाई वो बहुत लंबी कहानी है, आ जाना लाइव पे बता दूंगा। तो मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही ज्ञान दूंगा। अब मैं तो चला भाई सोने, क्योंकि 2 बजे से मजदूरी भी करनी है।